झारखंड के रास्ते बिहार से चलने वाली दो जोड़ी ट्रेनों के डिटेल्स की बात करेंगे जो कि हावड़ा के लिए चल रही है। रेलवे की तरफ से एक बड़ी अपडेट जारी की गई जिसके अनुसार इस ट्रेन के एक्सटेंशन को मिल चुका है मंजूरी। नमस्कार दोस्तों, IRKR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर कि इस वीडियो अपडेट के माध्यम से हम बात करेंगे ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब। दरअसल भारतीय रेलवे की तरफ से बिहार के रक्सौल रेलवे स्टेशन से झारखंड के रास्ते हावड़ा तक चलने के लिए दो समर स्पेशल ट्रेनों के एक्सटेंशन को मिला है मंजूरी। ऐसे में ट्रेन नंबर 03044 के साथ यह ट्रेन रक्सौल से हावड़ा के मध्य चलती है। पहली ट्रेन नंबर 03044 के साथ हावड़ा के लिए रक्सौल रेलवे स्टेशन से 4:55 पर शाम में रवाना होती और यहां से खुलने के बाद सीतामढ़ी जनकपुर रोड दरभंगा समस्तीपुर बरौनी के रास्ते क्यूल पहुंचती है। क्यूल के बाद यह ट्रेन झाझा जसीड़ी मधुपुर चितरंजन आसनसोल दुर्गापुर बर्धमान के रास्ते हावड़ा को जाती है और इसी रूट होकर एक और ट्रेन रेलवे ने इसकी शुरुआत की है। यह ट्रेन नंबर 03046 के साथ रक्सौल से हावड़ा के लिए चल रही है। ऐसे में दोनों ही दिशाओं में रेलवे इन दोनों ही ट्रेनों के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दिया है और ऐसे में इस ट्रेन का सुविधा बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को मिलेगा। इस रूट पर पहले केवल दो ही ट्रेन चला करती थी और ऐसे में दो अन्य नई ट्रेनों के संचालन से बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल को कनेक्ट करने के लिए इन दोनों ही ट्रेनों का सुविधा पैसेंजरों को मिलेगा। आने वाले नई ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।